हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मैं अपना जंबो जंबो सबसे बड़ा मेरे को मिल गया, तो जंबो वाला चिल्ला इसका लेके बैठी हूँ। मैं खा के देख रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। वैसे भी ऊपर से जो हमने इसको की है ना, वो ज़्यादा सुंदर लग रही है। अगर अंडा डाला होता तो इतना स्वाद नहीं लगता, ठीक है। ये अम्बी की चटनी है और ये लाल चटनी है और ये, और ऊपर मेरी गैस स्लो पे चाय भी बन रही है। बाहर का व्यू मैंने आपको दिखाई दिया, एकदम घने काले बादल और बारिश भी हुई है अभी। अच्छे बारिश के मौसम में गर्म गर्मा गर्म चिल्ला मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। बेसन का हो चाहे मूंग की दाल का हो चाहे चुकंदर का हो, है तो चिल्ला, क्योंकि इसमें घी भी कम यूज़ होता है। तो शाम की चाय के लिए तो हो गया बढ़िया। अब थोड़ी देर में हम रात का खाना तैयारी रात के खाने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो व्यूअर्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? आपका मेरे चैनल लिव लाइफ विद कुलविंदर में स्वागत है। मैं हूँ कुलविंदर और आज शाम का टाइम है, इस समय ना टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं। और आज है 27 अगस्त। मैं बना रही हूँ शाम के समय चाय, इसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं बना रही है, देखिए ये है बेसन, एक कटोरी बेसन लिया है, और ये है ओट का आटा, ठीक है, ये ओट का आटा है। और उसके बाद जो है ये प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, और ये है वाइट वाले तिल, ठीक है। ये हींग है थोड़ी सी, ये है आपका वो जो है कौन सा कहती हूँ, फ्लैक्सीड, ये फ्लैक्सीड है, ठीक है। और ये है हमारा, आपको बता रही हूँ, ये है चुकंदर। कल दो चुकंदर उबाले थे जब मैंने, तो एक चुकंदर पड़ा था उसको हमने उबले हुए चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सी में हमने ग्राइंड कर लिया। तो इस चुकंदर से ही नई रेसिपी बन रही है, वो क्या बन रही है भी आप देखिएगा। चलो स्टार्ट कर देते हैं, प्रिपरेशन तो मैंने सारी कर ही ली है। सबसे पहले जो है हम इस बाउल में डालेंगे बेसन, डल गया। फिर इसमें थोड़ा सा ऊँट का आटा डाल देंगे, क्योंकि ऊँट का आटा बहुत हेल्दी होता है, बेसन भी अच्छा होता है सेहत के, फैट लॉस के लिए अच्छा होता है बेसन भी, ठीक है। ऊँट का आटा भी हो गया। ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें मैं बाद में आज ऊपर से डालूँगी, पहले हींग डाल लेते हैं थोड़ी सी। ये मैं डाल रही हूँ इसमें फ्लैक्सीड, एक मिनट दिखाते हैं आपको, फ्लैक्सीड डल गए, ठीक है। हींग थोड़ी सी और डाल लेते हैं, वो थोड़ी है, वो हींग का टेस्ट अच्छा आता है हाजमे के लिए भी, ठीक है। हींग तो ये हो गया, बाकी मसाले भी डाल ही लेते हैं, नमक मिर्च मसाला जो भी डालना है मुझे। तो सबसे पहले हम डालते हैं नमक स्वाद के अनुसार, ठीक है। नमक डल गया, लाल मिर्ची, हरा धनिया, ये सूखा वाला, दूसरा वाला भी डालेंगे ऊपर से, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, ठीक है। और अजवाइन, जीरा, ठीक है, ये सारे मसाले डाल के, ठीक है। अब इनको अच्छे से मिक्स करके इसके बीट रूट जो है, ये चुकंदर जो है, इसको इसके अंदर घोल लेंगे अच्छे से, और इसका जो बेसन का जैसे चिल्ला बनाते हैं ना वैसा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैं ज़रा घोल के फिर आप, ये व्यूअर्स बैटर तैयार है, ये देखिए, ठीक है। वो जो मैंने आपको दिखाया था उसका चुकंदर का प्योरे दिखाया था, वो सारा ऐड करा, थोड़ा पानी भी डालना पड़ा क्योंकि कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी थी। इसमें मैंने ना थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, गैस मैंने चला दी है, तवे पे घी डाल दिया है। तो अब हम लोग बनाते हैं इसको, सामान को एक्स्ट्रा सामान को साइड कर लेते हैं, इसको पास ही ले आते हैं, जितना पास लाओ उतना गिरेगा नहीं। तो इसको हम डालते हैं ऊपर बैटर को, ये लीजिए, अगर गाढ़ा लगेगा तो मैं और थोड़ा पतला कर लूँगी, देख लूँगी कैसा बनता है। तीन डाल दिए, फिर देख सकते हैं हिला के, जितना आराम से फैल जाए फैला लो। और बड़ा बना लेते हैं, चौथी कड़छी, कलर अच्छा लग रहा है इसका, चुकंदर का चीला पहली बार ही खा रही हूँ मैं भी, अच्छा लग रहा है इसका कलर। चलो इतना ही बहुत है,
बना के देखते हैं और क्या करना है इसके ऊपर। इसके ऊपर पहले मैं क्या करती थी, प्याज मिक्स अंदर ही कर लेती थी, इस बार हम प्याज थोड़ा अलग से डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये अच्छे लगेंगे इस तरह से प्याज, ठीक है। और इसमें हमने डालना है हरी मिर्च थोड़ी सी, वो भी डाल देते हैं, थोड़ी अच्छी लगेगी टेस्ट में आएगी, तो मुँह में आएगी तो अच्छी लगेगी, नहीं पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हो। इस बैटर में ना मैंने वो भी डाला है, आपको बताऊँ, मैंने हल्दी भी थोड़ी सी डाली है, मैं बताना भूल गई, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो डालो, नहीं तो ये थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं, हरा धनिया अच्छा लगेगा, ये थोड़ा काला लग रहा है, इसको डालो, ठीक है। और थोड़ा और डाल लेते हैं हरा धनिया, ठीक है, चलो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। ये वाइट वाले तिल भी डाल लो, इसमें अच्छे लगेंगे, वाइट वाइट दिखेंगे तो सुंदर लगेंगे, ये देखिए। इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे, इसको तो मैं थोड़ा दबा देती हूँ ताकि अंदर चला जाए, जब मैं पलटूँगी तो गिरे नहीं, थोड़ा सा प्रेस कर दो, ठीक है। और देख लेते हैं अभी पलटने लायक हुआ है कि नहीं, पका है कि नहीं, थोड़ा अभी कच्चा ही है। चलो दूसरा वाला डाल दिया है, पहला बन गया है, ठीक है। अभी दिखाती हूँ आपको इसको भी, इसके ऊपर भी हम प्याज डाल लेते हैं, ऊपर से प्याज ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि प्याज जो है ना वो अपना पानी छोड़ देता है, तो उससे क्या होगा, जो हमने वो बैटर तैयार किया है ना उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा पतली हो जाएगी थोड़ी, इसलिए हमने ऊपर से डाले। वैसे भी ऊपर से अच्छे लगते हैं, ये हरी मिर्च आपकी चॉइस, आपको डालनी है तो डालो, और डालो टमाटर है, मैं डालने ही भूल गई हूँ, देखें कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, ये सारी चीज़ें पास में पड़ी है ना तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। चलो ये डाल दिया हरा धनिया, टमाटर पहले मैं वाइट वाले ये तिल डाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं ना ये, तिल डाल दिए तो मैं तो टमाटर डालने ही भूल गई, टमाटर काट लिए से डालने ना ऊपर से करके, इस तरह से टमाटर डाल दिए। और इसको क्या करना है, हमें प्रेस कर देना है, ताकि अब ये कच्चा है ना इधर से अंदर अंदर घुस जाएगा इसके, ये ले घुस गया अंदर, अब ये गिरेगा कम, ठीक है। नीचे हमने जब पूड़ा बनाया था तो नीचे थोड़ा ऑयल ऑयल डाला था, एक चम्मच के करीब, आधा चम्मच या एक चम्मच, उसके बाद ऊपर पूड़ा डाला था, ठीक है। तो अभी इसको बनने दीजिएगा, तब तक जो है हम आपको ये वाला पूड़ा दिखाते हैं। ये देखिए मेरा पूड़ा बन गया है, ये देखिए एक चटनी मैंने दो तरह की, एक तो मेरी अम्बी वाली चटनी, एक रेड वाली, ठीक है, लाल वाली ये चटनी है। और ये इस तरह से इसको बस अभी मैं बच्चों को देकर आती हूँ, ठीक है। तीसरा वाला पूड़ा भी बन गया, नहीं दूसरा बना, पहला एक कनिका को दे दिया है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। और अभी इधर बन रहा है तीसरा वाला, ये बन रहा है तीसरा वाला, इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं हम लोग, प्याज व्याज डाल लेते हैं, बाकी सब चीज़ें डाल लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है डाला हुआ, ठीक है। तो इसमें भी प्याज डालते हैं हम लोग, ले लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च, ठीक है, हरी मिर्च डल गई। उसके बाद थोड़ा सा जो है हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया ले लीजिए, साइडों में भी डाल देते हैं, ठीक है। और फिर डालेंगे सफ़ेद वाले तिल, तिल अच्छे लग रहे हैं मुझे भी, कलर अच्छा, ये वाइट वाइट अच्छा आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। थोड़े से टमाटर भी डालने हैं, क्योंकि वो रह ही गए थे पहली बारी में, काटे तो इसी मकसद के लिए थे पर रह गए थे, ठीक है। चलो इसको प्रेस कर देते हैं, ताकि अभी कच्चा कच्चा है तो इसके अंदर चला जाए, ठीक है। और इसके पापा को देकर आती हूँ दूसरा वाला, ठीक है। तब तक ये इसको अभी गैस स्लो ही रखी है मैंने, कहीं जल ना जाए, ठीक है। इसको उसको ऊपर कर दो, जो निकल भी गया तो उसे इस तरह ऊपर कर दो, ठीक है ना, नहीं भी होगा तो अगले वाले में काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सही वाला बन रहा है पूरा तीसरा वाला, ठीक है। लीजिए व्यूअर, चौथा वाला सबसे बड़ा जम्बो मिला मेरे को, सबसे लास्ट वाला था ना ये बड़ा बन गया, जितना बैटर था सारा डल गया। ये मैं खा लेती हूँ, और एक ये वाला बन गया है, ये इन दोनों को आधा आधा दे देती हूँ,
उनके पापा को, एक एक तो उन्होंने पूरा खा लिया है, ये आधा आधा हाफ हाफ दे देती हूँ और देकर आती हूँ अभी, ठीक है। और लास्ट, ये लास्ट वाला जम्बो मैं खाऊंगी। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये वैसे भी हेल्दी है, बेसन भी है इसमें, ओट का आटा भी है और इसमें चुकंदर भी है, चुकंदर वैसे ही हेल्दी होता है, ठीक है। तो चलो आप भी ट्राई कीजिए। नारा शयो नारा कल फिर आए।